गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने कल से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी, उसी को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको आप सभी को टेंथ केवल स्पेशल टेंथ क्लास के स्टूडेंट के लिए ये विशेष वीडियो जो लेके आए हैं हम, ये केवल उन्हीं की टेंथ क्लास के लिए है ताकि वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो कल वाला टॉपिक था हमारा राग पे था, आज हमारा विषय है निम्नलिखित बारह वर्णन का कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना। चैप्टर नंबर हमारा 17 का है, एक्सरसाइज कौन सी है 17 की, जिसमें 17.4 इसी से एक क्वेश्चन आता है हमारा बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। तो इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन कि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और बिल्कुल इजी तरीके से इस चैप्टर से है, तो इसको किस तरीके से किया जाता है उसको डिस्कस करते हैं हम। तो हमारा हेड टॉपिक है क्वेश्चन है निम्नलिखित बारह पाठ वर्णन का कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा और उसको कैसे करना है। तो देखो मैं दिक्कत क्या होती है, तीन चीजें पूछी जाती है इस चैप्टर से। एक तो पूछी जाती है कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना, एक माध्य ज्ञात करना और एक ज्ञात करना बहुलक। तो पहला हमारा क्वेश्चन है बंडल का कल्पित विधि से माध्य। कल हम देख के आएंगे और एक नया टॉपिक जिसमें बहुलक होगा, एक वाले टॉपिक में होगा हमारा बहुलक के बाद करेंगे हम माध्य का। तो इस तरीके से पहला आज का टॉपिक हमारा कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना। तो इसको किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले ध्यान रखो कि अगर हमें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला खुद बता देगा इसको को किस तरीके से करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कल्पित विधि से माध्य, कल्पित विधि से माध्य, और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, जहां हमारे पास डी होता है हमारे पास डी आई, वो निकल जाता है एक्स आई माइनस ए। इससे ये टेबल बनेगी, यहाँ डी क्या होगा हमारा एक्स आई माइनस ए होगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो हमें इसके लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल में हमें क्वेश्चन दे रखा है वर्ग अंतराल, तो सबसे पहले हमारे टेबल में क्या होगा वर्ग अंतराल, क्या होगा वर्ग अंतराल जो हमें दे रखा है उसमें क्या है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, इस तरीके से हमारे ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल। फिर इसके बाद हमें दे रखी है बारह बारह, क्या हमारी बारह बारह जिसे हम एफ आई के द्वारा दर्शाते हैं, ये हो गई हमारी बारह बारह। जो क्वेश्चन में दी जाएगी आपको वो क्या हमारी 6, 10, 13, फिर क्या दे रखे हमें 7 और फिर दे रखे हमें 4, ये हो गई हमारी बारह बारह। अब देखो अब क्वेश्चन करना क्या है, किस तरीके से करना है। अगर हम फॉर्मूला याद रखते हैं तो फॉर्मूला देखो ध्यान से, इसमें क्या दे रखा है ए, और ए किससे मिलेगा हमें एक्स आई के साथ। देखो यहाँ है एक्स आई माइनस ए, इसमें मतलब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एक्स आई के साथ। तो एक्स आई के साथ के लिए हम यहाँ बनाएंगे एक्स आई, ये हो गई हमारी एक्स आई की टेबल। और ये किस तरीके से बनाई जाती है ये हम देखेंगे वर्ग अंतराल से। तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ वर्ग अंतराल चल रहा है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से चल रहा है आपका। तो एक्स आई को मान के रखते हैं, क्या करते हैं इन दोनों, इसको बोलते हैं अब लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, यानी ये निम्न सीमा कहलाती है और ये कहलाती है आपकी उच्च सीमा। तो इसका मतलब इन दोनों सीमाओं को क्या कर देते हैं हम जोड़ देते हैं। तो देखो 0 + 10 कितना हो गया हमारे पास 10, 10 का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ होगा हमारे पास 5। अब देखो अब नेक्स्ट निकालने के लिए सीधा तरीका बेस्ट तरीका है कि क्या है, अब ये देखो कि बीच में अंतराल में डिफरेंस नहीं ना चला, देखो 0 टू 10, 10 टू 20, यानी हमारे पास 10 10 का क्या चल रहा है इसमें डिफरेंस चल रहा है, तो हम उस डिफरेंस को इसके अंदर ऐड करते चलेंगे। तो 5 में 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15, 15 में 10 ऐड करेंगे तो 25, 25 में 10 ऐड करेंगे तो 35, और इसमें 10 ऐड करेंगे तो 45। चेक कर सकते हैं देखो 40 और 50 के बीच में कौन आता है 45 है, 30 एंड 70 ऐड करो 70 हो गई, 70 का हाफ कितना हो गया 35 आ रहा है। इसी प्रकार देखो 10 एंड 20, 20 का सम करेंगे तो इसका 30 आएगा, 30 का देखो हाफ कितना होता है 15 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ऐड करके चलेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक्स आई की टेबल आ जाएगी।
अब देखो एक्स आई आ गया, अब हमें क्या करना है, ए क्या होता है यहाँ पर कल्पित मान, इस देखो इसमें लिखा ना कल्पित विधि से, तो हम एक कल्पित मान मानते हैं, और वो किससे मानेंगे, एक्स आई की टेबल से। तो इसका मानने का तरीका क्या है, इसके बीच में देखो बीच में जो मान आता है उसी को क्या करते हैं हम कल्पित मान मानते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन आ रहा है हमारे पास, देखो बीच में आ रहा है हमारे पास 25, इसको हम क्या मान लेंगे कल्पित मान ए। तो लिख देंगे क्वेश्चन के अंदर कि माना माना कल्पित मान ए बराबर 25। ये हमारे पास क्या आ गया कल्पित मान ए 25 आ गया। अब क्या करना है, ए मिल गया, अब ए तो मिल गया देखो सूत्र के अंदर, अब फॉर्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए, अब डी आई को चाहिए, डी आई का नाम हो रहा है, तो हम क्या बनाएंगे डी आई, कौन सी टेबल बनाएंगे हम डी आई, और वो क्या होता है हमारा एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई के माइनस वैल्यूज में सभी में से क्या माइनस करेंगे हम ए, और ए कितना आ रहा 25, तो चेक कर लो अब 5 में से 25 जाएंगे कितने बचे हमारे पास, 5 में से ए घटाना है तो इसमें कितने जाएंगे माइनस के क्या बचेंगे हमारे पास 20, अब 15 में से 25 माइनस करेंगे माइनस कितने बचेंगे हमारे पास 10, उसी प्रकार 25 में से 25 माइनस होंगे तो 0, अब इसी प्रकार 35 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा फिर से क्या करेंगे 10, और 45 में से फिर से 25 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 20। ये इस तरीके से हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई डी आई की, इसकी आ गई डी आई। अब देखो फॉर्मूले के अंदर फिर से आते हैं, इसके बाद करना क्या कंफ्यूजन यही होती है, इसके बाद करना क्या, तो करना कुछ नहीं फॉर्मूला बताएगा, अब डी आई मिल गया, अब वो क्या कह रहा है फॉर्मूला क्या कह रहा है कि हमें एफ आई और डी आई का क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद क्या करना है समेशन, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए एफ आई और डी आई इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई एफ आई की और डी आई का। तो मैं एक बार रफ कर देता हूँ इसके टेबल बनाने के लिए, नेक्स्ट जो हमारी टेबल होगी वो क्या होगी एफ आई एंड डी आई, ये होगी हमारी एफ आई और डी आई की टेबल। एफ आई कौन सी वैल्यू है, ये रही हमारे पास एफ आई की वैल्यू फ्रीक्वेंसी 12 बार तक ही, और डी आई एंड डेविएशन होता है इसकी टेबल हमारे पास ये है। अब क्या करना है एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई, तो देखो 6 × 20 तो हमारे पास कितना हो जाएगा 120, और इसके होंगे माइनस क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस का, अब 10 को 10 से इनटू करेंगे 10 × 10 100 होगा, और वो किसका होगा माइनस का क्योंकि माइनस की 10 से इनटू कर रहे हैं, इसी प्रकार देखो 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 0, इसी प्रकार अब देखो 7 को मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से, किसे करना है 10 से, 7 को 10 से करेंगे तो हमारे पास किसका आएगा 70 रिजल्ट, और इसी प्रकार 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 80। तो इस तरीके से हमारे पास एक टेबल प्राप्त हो गई है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास एक्स बार यानी माध्य बराबर क्या था ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, तो ये समेशन किसका बन रहा है फॉर्मूले के अंदर, देखो समेशन ऑफ एफ आई बोल रहा है इसका मतलब समेशन किसका करना है एफ आई का, माइनस के 70 और इसके माइनस के, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई है। अब कुछ नहीं करना है सिर्फ फॉर्मूले में रखना है इन वैल्यू को, तो
हमारे पास फॉर्मूला ये रहा एक्स वाई प्लस टू माध्यम वैल्यू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, तो उसकी वैल्यू को क्या करेंगे पुट कर दें, तो वैल्यू हमारी है ए। अब देखो ए की वैल्यू क्या है, हमने क्या माना था ए 25, इसकी वैल्यू हम रख देंगे, ए की वैल्यू क्या रखनी है 25 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, समेशन हमने कर दिया इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस के समय, ध्यान रखेंगे जब भी माइनस के नंबर आते हैं तो उसको किस तरह बनाए ब्रैकेट कर देता है कोई गलती न हो आपसे, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस के 70 ब्रैकेट में रख लेंगे अपॉन में क्या है समेशन ऑफ एफ आई, एफ आई की वैल्यू क्या आई हमारे पास 40, तो इसकी वैल्यू हमने दी 40। तो मैंने आपको बताया था पहले भी मल्टीप्लाई करो तो प्लस इनटू माइनस क्या आ जाएगा चिन्ह माइनस का, इसी प्रकार से हमारे पास रिजल्ट आएगा 70 अपॉन 40, ये हम ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा 25 माइनस, आप cos डिवाइड करेंगे तो 4 की टेबल इसमें बोलेंगे 1 टाइम 4 की जगह 4, फिर हमारे पास कितने बचे का रिजल्ट है 3 यानी 30 हो जाएंगे, 30 में फिर से डिवाइड करेंगे तो 4 7 4 28, फिर हमारे पास फिर से रिजल्ट बचेगा 2 यानी फिर से 5 टाइम यानी 1.75, तो अब इसमें से माइनस करेंगे हम तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा 23.25, ये होगा हमारे पास x बार की वैल्यू किससे कल्पित विधि से, यानी कल्पित विधि से क्यों बोलते हैं, इसके अंदर हमने एक मान माना है कल्पित मान, वो क्या माना हमने 25। हाँ एक और इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन के लिए बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको अगर मान लो हमारे पास अब तो बीच में मान देखो 25 बीच में आ गया, वो दो वैल्यू इधर हमने कम की दो वैल्यू इधर की तो बीच में 25 आ गया, मान लो हमारे पास एक वैल्यू और होती जैसे मान लो हमारे पास एक और होता 55 मान लेते हैं, तो हमारे पास दो वैल्यू आती, एक तो कौन सी आती 25 और एक क्या थी 35, वो आपकी इच्छा है, तब आप क्या करो ए किसको मानो, हमारे को कंफ्यूजन हो गया ए इन दोनों में से किसको माने, अब कई पास में आपको ये मिलेगा कहीं में ये मिलेगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जो रिजल्ट अच्छा लग रहा है मान लो आपको ये लेना है तो आप ये मान सकते हो चाहे आप ए ये भी मान सकते हो, वो आप डिपेंड करता है आप पर कि आप ए इसको मानोगे या इसको मानेंगे, आंसर वही मिलेगा आपको रिजल्ट वही आएगा, इसमें कोई बहुत बुराई बात नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है चाहे इसको मान लेना चाहे इसको, कब जब ये नंबर वेरिएबल्स की नंबर जो है वो किसमें हो सम संख्या में तब हमें बीच के अंदर कितने मान मिलेंगे, तो अगर बीच में तो ऑलरेडी हमारे पास क्या आएगा बीच में ऑलरेडी मिल जाएगा बीच वाला मान, इस तरीके से हमने क्या किया आज 12 बटा बंडल का कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना सीखा, इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर हम बहुलक सीखेंगे और एक और नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें आपके लिए लेके आऊंगा माध्यक लेके आऊंगा किस तरीके से माध्यक ज्ञात किया जाता है, बाकी आप एक्सरसाइज के अंदर काफी क्वेश्चंस हैं इसको वीडियोस को देखते हुए उन क्वेश्चनों को आप क्या करना है आपको लर्न करना है और एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ओके बाय।